सेनेटर अनवारुल्लाह काकड़ निगरान वज़ीर आज़म बन गए। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर की समरी पर दस्तखत कर दिए। सेनेटर अनवारुल्लाह काकड़ की बतौर निगरान वज़ीर आज़म तकरारी की मंजूरी, हल्फ बर्दारी 14 अगस्त को होगी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की अनवारुल्लाह काकड़ से मुलाकात, निगरान वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद। सादिक संजरानी ने कहा, बलोचिस्तान से निगरान वज़ीर आज़म की नामजदगी खुशाइंद है। मौलाना फजलुर रहमान का निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ से टेलीफोनिक रब्ता, JUI के सरबराह की नामजद निगरान वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। कहा, उम्मीद है निगरान वज़ीर आज़म साफ शफाफ और बरवक्त इंतखाबात के इनाकात को यकीनी बनाएंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का भी अनवारुल हक को निगरान वज़ीर आज़म बनाने का खैर मकदम। कहा, शफाफ काबीना और गैर जानबदार इलेक्शन अब निगरान वज़ीर आज़म का बड़ा इम्तिहान। सकाफत किसी भी मुआशरे का हुस्न होता है। पाकिस्तानी फनकारों ने फिल्म इंडस्ट्री की बहुत खिदमत की। फिल्म इंडस्ट्री में बड़े बड़े फनकारों ने ज़बरदस्त नाम कमाया। वज़ीर आज़म का लाहौर में PTV की तकरीब से खिताब, बोले, फिल्म इंडस्ट्री को खोया हुआ मकाम वापस दिलाना चाहते हैं। और भारत ने चौथी बार एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है। फाइनल में मलाशिया को 4-3 से शिकस्त, जापान ने जनूबी कोरिया को हराकर कांसी का तमगा जीत लिया।